मिसाल के तौर पर बेटी के लिए रिश्ता आया, वहां ऑर्डर करेगा शादी उससे करवाओ जो मालदार हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अच्छी सी गाड़ी हो, सोसाइटी में बड़ा नाम रखता हो, पॉलिटिकल पावर रखता हो, बहुत सारी चीजें रखता हो। ये कौन कहता है? ये वहम कहता है। अकल क्या कहती है? अकल कहती है बेटी उसको देना, सबसे पहले ये देखो दिल में अली की विलायत है कि नहीं, ये देखो इसके दिल में खौफ परवरदिगार आलम है कि नहीं। अब सुनिए मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम, फरमाया जिसने अपनी बेटी की शादी माल दुनिया के लिए करवा दी, दौलत और शोहरत की वजह से बेटी की शादी करवाई, दुनिया तो कहेगी इसने मालदार और अच्छे इंसान से शादी करवाई, लेकिन फरमाया जब ये मर जाएगा इसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जिसने दुनिया की वजह से अपनी बेटी की शादी करवाई। ये नहीं देखा इसके दिल में खौफ खुदा है कि नहीं, ये नहीं देखा वो शराब पीता है कि नहीं, ये नहीं देखा वो नमाज को अदा करता है कि नहीं, ये नहीं देखा हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद को अदा करता है कि नहीं, अगर ये देखकर इसने शादी नहीं करवाई, फरमाया जब ये मर जाएगा इसके नाम अमाल में लिखा जाएगा इसने बेटी की शादी नहीं करवाई बल्कि अपनी बेटी का कत्ल किया, इसने मर्डर किया है अपनी बेटी का। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी मादी तो बचाई लेकिन उसकी रूहानी जिंदगी को तबाह कर दिया। अब जिससे शादी की है उससे जब बेटे होंगे ये बेटे परवरदिगार आलम का खौफ नहीं रखेंगे, दुनिया को देखकर शादी करवाई। सैयदा के पास रिश्ते आए, अरब के मालदार तरीन लोग आए, लेकिन बीवी ने किसके लिए हां की? अली इब्ने अबी तालिब के लिए। इतने भी पैसे नहीं थे कि मौला घर के बर्तन खरीदते, अपनी जरा को बेचा और चंद बर्तन ले आए, किसको देखा? इताअते परवरदिगारे आलम को देखा। इसी तरह जवान जब शादी करना चाहता है आपके ब्रांड से दो ऑर्डर आते हैं, एक ऑर्डर आपका अकल देता है, एक ऑर्डर आपका वहम देता है कि शादी किससे करूं। जवान कहता है शादी उससे करूं जो हसीन हो, बड़े बाप की बेटी हो। यही तरह हम इसी तरह शादियां करते हैं, 70 साल के बाद पता चलता है कि मेरी शादी सही थी या गलत थी, लेकिन अकल क्या कहती है? शादी उससे करो जिसकी सीरत ऐसी हो सैयदा फातिमा की सीरत।